नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों को लेकर। सरायकला आप सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे। खरसवा जिले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को जिला मुख्यालय सरायकला में लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे आप देखिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मरीन ड्राइव योजना में शामिल होगी और मरीन ड्राइव नदी की सतह से 12 फीट ऊंचाई पर रहेगी। तो इस 2 किलोमीटर की जो मरीन ड्राइव में मंदिर एवं पार्क भी शामिल है, विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य, झामुमो के नगर अध्यक्ष सूर्यराज सिंह देव और झामुमो के नगर सचिव राजेंद्र महंती के संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहां मुख्यालय स्तर पर सभी शहरी निकायों से प्रशासकों के साथ आहूत बैठक में राज्य अंतर्गत सभी कोटि के शहर निकायों के प्रशासकों ने भाग लिया है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई। तो बैठक में शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सभी शहरी निकायों के प्रशासकों के जो सुझाव हैं ये लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही इस संबंध में निर्वाचन आयोग के संबंधित दिशा निर्देशों के सभी को अवगत भी कराया गया। बताते चले कि एक बैठक हुई है, बैठक में जिस तरह से निर्देश दिए गए उसको लेकर काम किया जाए, इसको लेकर भी मंथन हुआ। झारखंड में अर्बन एरिया में वो वोटर का पार्टिसिपेशन कम रखे इलेक्शन में, वो मतदाता सूची में निबंधन भी हो, वोटर टर्नआउट भी हो, मतलब वो पोल डेट का पार्टिसिपेशन भी हो, उसका कम रहती है। उसका एड्रेस करने के लिए कितना झारखंड में अर्बन लोकल बॉडी से सबका उनका कैट का बुला के यहाँ पर हम उनका पास हमें एक कॉन्फ्रेंस करवा के इसी बार झारखंड में अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंट कैसा अच्छा हो, वो एक अच्छा रिफ्लेक्ट करती है अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, उसका संबंध में आज हम लोग चर्चा करके आज एक्शन प्लान बनेगी उसका हम लोग को फिलहाल इम्प्लीमेंट करके आने वाला लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन क्या सुविधा देना चाहिए वो लोग का उसका संबंध में चर्चा। देखिए अर्बन एरिया में हम लोग बात करेंगे कुछ एवरेज है 50-52 के आसपास में वोटिंग रहती है। आपका बड़ा शहर रांची, धनबाद ले लेंगे, बोकारो, जमशेदपुर में या जहाँ पर रहती है, उसका कुछ कारण बहुत सामने आई। उसमें हम लोग का वो वोटिंग लिस्ट का प्योरिफिकेशन से कुछ में काम किया उसने। अभी भी कुछ एरिया में वोटिंग पर अभी भी कम होते रहती है, कुछ एरिया आइडेंटिफाइड है उसका, उसमें हम लोग का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा इकोनॉमिकली हाई रफ सेशन है, कहाँ पर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स बना रहती है वहाँ पर वोटिंग परसेंट कम हो जाती है, थोड़ा सा वीकर सेक्शन कहाँ रहता है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहाँ रहता है वहाँ पर वोटिंग परसेंट अच्छा रहती है। इसलिए उसी एड्रेस के आधार पर हम लोग उनका कैसा हम लोग उनके पास पहुँचेंगे ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ का प्रत्येक घर पर रोज़ रीच है, उनका रोज़ उनके घर पर जाके उनका सर्विस देता है, उसी सर्विस के माध्यम से हम लोग ये भी मैसेज कम्युनिकेट करेंगे। उनका भी एक कर्तव्य है देश का सामने उनका, उसका पूरा करने के लिए हम लोग करवाएंगे उनका। तो प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना के आधार पर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरिडीह के ही अलहपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुगल सर्च इंजन दर मुगल सर्च और साथ ही ये मुगल नहीं गूगल सर्च की बात हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से फर्जी कुरियर सर्विस एंड बनाकर यहां पर काम किया जा रहा था और ये कुरियर सर्विस को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए फर्जीवाड़ा किस तरह से सामने आया है। फर्जी मोबाइल नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया और पूरी तरह से आप देखिए एक ऐप भी बनाई गई है। तो साथ ही आम लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर जिसका रिकॉर्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के नाम भी पंजीकृत करा दिए गए हैं, फिलहाल इन पर FIR दर्ज की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए साइबर अपराधियों के विरुद्ध में पिछले 5 महीने से लगातार सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अब तक 201 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें कई साइबर अपराधी बहुत सातिर थे और जिसे कई राज्यों की पुलिस भी ढूंढ रही थी और इनके पास से अब तक कुल 496
मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें कई महंगे फ़ोन भी हैं और लगभग 648 इनके पास से सिम भी जब्त किए गए हैं और लगभग हजारों नंबरों को भी बंद कराया जा चुका है जो जिस फ़ोन और नंबर से साइबर अपराध किए जा रहे थे। करीब 300 से ज़्यादा भी IMEI नंबरों को बंद कराया जा चुका है और इनके पास से अभी तक लगभग 15 लाख रुपए की राशि भी जब्त की जा चुकी है। और अभी झारखंड पुलिस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब पोर्टल के लिए जो काम किया जा रहा है, प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है और हम लोग इस पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराधियों तक बिल्कुल ही आसानी से पहुँच सकते हैं और उनके विरुद्ध जो है छापामारी आसानी से कर सकते हैं। रांची रेल मंडल में विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के अंतर्गत यहां स्टेशनों के उन्नयन में होने वाले विकास कार्यों और सड़क ऊपरी पुल और साथ ही सबवे एवं लो हाइट सबवे के निर्माण के लिए संबंध में ही आप देखिए मंडल रेल प्रबंधक जो कि रांची जसमीत सिंह बिंद्रा ने आज रांची से हटिया रेलवे स्टेशन में प्रेस वार्ता रखी और बताया कि 26 स्टेशनों को विकसित भारत के तहत विकसित किया जाएगा, उनमें कई यहां कार्य जो है वो कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते 26 स्टेशनों को विकसित कर दिया जाएगा और ये कार्य जुलाई से अगस्त के बीच में समाप्त हो जाएगा। तो रांची रेल मंडल के अंदर आने वाले 26 रेल स्टेशन में से 3 बंगाल में भी हैं और उन्हें भी वित्तीय वर्ष में विकसित कर दिया जाएगा। 26 स्टेशनों में से 11 स्टेशनों का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, बाकी स्टेशनों में अन्य कार्य यहां पर कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारत में लगभग 2000 से ज़्यादा लोकेशंस पे फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन और डेडिकेशन फंक्शन किया जाएगा जो कि अमृत स्टेशन होंगे और आरओबी आईओबी का इसमें सम्मिलित होंगे। झारखंड राज्य की बात करें तो इस साल हमको झारखंड राज्य को 7,200 करोड़ का आवंटन मिला है जो कि एक रिकॉर्ड है और इतना प्रगति रेलवे में पिछले बहुत सालों से नहीं हुई है, इतना तो रिकॉर्ड है ही। इसके अलावा राज्य डिवीजन की अगर हम बात करें और 26 स्टेशन की बात करें तो 26 लोकेशनों पे जो इनॉग्रेशन किए जाएंगे उसमें लगभग 400 करोड़ का लागत आएगी और ये लगभग हमारा लक्ष्य है कि इसी साल में ये सब परियोजनाएँ लगभग कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो अगले 2-4 महीने में हो जाएंगे, सब पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इसमें 14 अमृत स्टेशन हैं और 12 आरओबी आई। बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ पाटांड पानी टंकी के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर एक व्यक्ति को देसी कट्टा और उसके साथ आप देखिए किस तरह से पकड़ा गया है और इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों भी दी गई और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडे के ही निर्देश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय बागोदर सरिया की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर तत्वरित कार्यवाही करते हुए पाटांड पानी टंकी के पास पहुंचे तो वहीं पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और पकड़े हुए व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से पुलिस ने कार्यवाही की। फिलहाल आगे की पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है। विगत दिनों दिनांक 12 तारीख को बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव होटल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट का प्रयास किया गया था और इसी क्रम में पुलिस को त्वरित सूचना मिली थी और पुलिस के द्वारा त्वरित छापामारी करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी तथा उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। पुलिस लगातार बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। उसी बीच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया था और आज उस लूट की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त रामलाल मरांडी विष्णुगढ़ का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसने बाकी अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है, पुलिस के द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दुमका जिले के सभी प्रखंडों में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ईडी एवं केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय मार्च निकाला गया और जिले के सभी प्रखंड और इसके प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली गई। झामुमो का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल ले गई है और प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव टूटू ने कहा कि भाजपा के इशारे में ईडी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत यहां पर जेल में बंद यहां कर दिया गया। फिलहाल आप देखिए न्याय मार्च किस तरह से निकाला गया है और सरकार के खिलाफ पूरी तरह से ये लोग लामबंद होते हुए नजर आए, लेकिन आपको बताते चले कि न्याय दिलाने के लिए ही ये न्याय यात्रा निकाली गई। आचार्य के द्वारा जिस तरह प्रकाश करके बेवजह
जमीन के नीचे के लोग उसको खेत के समर्थन में डालने का काम किया है। उनके विरुद्ध हम लोग न्याय मांग रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी द्वारा निकाला है और हम लोग हर गांव मोहल्ला टोला में जनता को बताने का काम करेंगे कि बेवजह हेमंत सोरेन जी को जिस तरह जेल में डाला गया उसको जब तक नहीं छूटेगा तब तक हम लोग कार्यक्रम लगातार हम लोग करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही रिहाई को लेकर हर दिन यहां जीएमएम कार्यकर्ता द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में आज जीएमएम कार्यकर्ता द्वारा देवघर के लक्ष्मीपुर चौक से शिवगंगा होते हुए विभिन्न वार्डों में पैदल मार्च करते हुए न्याय यात्रा निकाली गई। मौके पर ही जेएमएम केंद्रीय समिति के सदस्य सुरेश शाह ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी यहां बिना कोई सबूत के ही जेल भेज दिया है और इसका झारखंड में रहने वाले सभी जनता ने विरोध किया है। जेएमएम कार्यकर्ता द्वारा न्याय यात्रा के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। बहुत ही षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने गरीबों के लिए इतना अच्छा काम किया जो कि आज तक जो है झारखंड में इतना साल तक बीजेपी काम किया नहीं कर पाए, उसके मतलब जो है कि यह लगने लगा बीजेपी वाले को कि अब मेरा पांव यहां से उखड़ने वाला है, यहां पर हमको अब कोई जगह नहीं मिलेगा। इसलिए षड्यंत्र कर करके उन्होंने जो है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है ताकि जो है यहाँ पर गरीब मजदूरों का काम जो है नहीं हो सके और हम लोग जो है उनको रिहाई के लिए, जब तक उनका रिहाई नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनवरत जो है आंदोलन करते रहेंगे और ईडी का जो है दुरुपयोग जो किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा उसको हम लोग रोकने का प्रयास करें। राजमहल में लगने वाला माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहां आप देखिए जो मेला लगेगा, गंगा तट राजकीय माघी मेला का विधिवत उद्घाटन राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, राजमहल विधायक अनंत ओझा और राजमहल सांसद विजय हासदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंत्री ने सबसे पहले यहां गंगा में पूजा अर्चना की, गुरु बाबा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और मेला करीब 5 दिनों तक चलेगा। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ये राजकीय माघ मेला जो भव्य रूप यहां पर ले चुका है, इस मेले में लाखों की संख्या में आदिवासी सनातनी इस में पूरी तरह भाग लेते हैं, अपनी आस्था का परिचय देते हैं। वहीं स्थानीय विधायक अनंत ओझा भी इस राजकीय माघी मेला पर सरकार के मंत्री को कहते नजर आए कि जिस गति से रघुवर सरकार ने इस मेले को और सुंदर बनाने का काम किया है ये हमेशा चलता रहना चाहिए। देश विदेश विभिन्न राज्य विभिन्न जिलों विभिन्न धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का समागम को समाहित करते हुए यह मेला दिनों में निरंतर देश ही नहीं इसके आगे भी ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। ऐसे लिए प्रशासनिक राजनीतिक स्थानीय और इस समागम से श्रद्धा रखने वाले लोगों का प्रेस मीडिया सभी का सहयोग मिलता रहा। विभागों के मंत्रियों पदाधिकारियों से निरंतर यहाँ के विकास के लिए गुहार लगाते रहते हैं और 5 साल पिछले कार्यकाल में की सरकार भी रही, उसमें भी मुझे लगता है कि काफी विकास हुआ होगा इस राजमहल विधानसभा क्षेत्र का और आज भी इन्होंने काफी चिंता जताई है। हमारे भाई श्री अनंत ओझा जी पिछले के युवा कुछ विधायक उपायुक्त महोदय जो ये भी लगता है कि बहुत कम समय हुआ है नहीं यहाँ पर भाग लगे किए हुए अनुभवी पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के एसी साहब, एसडीओ साहब, मेले में सिर्फ हमारे देश से नहीं हमारे पड़ोसी देशों नेपाल भूटान से भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और यहाँ
पूजा अर्चना करते हैं गंगा मैया से, अपने सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं। मां गंगा के तट पर सर्वप्रथम इस माघी पूर्णिमा मेला में आए हुए सभी सफा और गुरु बाबा को मैं शीश झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और झारखंड सरकार के हमारे माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता आदरणीय श्री बादल, आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी और झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल प्रफुल्लित जी का भी उत्तर वाहिनी मां गंगा के पावन नगरी में इस माघी महोत्सव के अवसर पर उनका भी हृदय से धन्यवादन और उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री विजय हांसदा जी, जिला शासन के उपायुक्त श्री हेमंत त्रिवेदी जी, आरक्षी अधीक्षक कुमार गौरव जी, सभी सम्मानित हमारे मंच पर आसीन श्री विजोल मंडल जी, श्री किताबुद्दीन जी, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और शासन के अधिकारीगण, इस मेले में आए हुए लाखों की संख्या में अलग अलग प्रांतों से आए हुए अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ सभी श्रद्धालुगण का भी हृदय के गहराइयों से आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका भी हम हृदय से अभिवादन करते हैं। तो जिले के नगर परिषद क्षेत्रों में जगह जगह कैंप लगाकर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और फार्म भरने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष की तक की जितनी भी महिलाएं हैं, SC/ST वर्ग के सभी पुरुष आवेदन कर सकते हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए 60 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। नगर प्रशासक जयपाल सिंह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। नगर परिषद एरिया में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना चलाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, और उसमें हम लोग 4 कैंप लगाने हैं। आज को यदि छोड़ दिया जाए तो 3 कैंप हो चुके हैं, आज लगाकर 4 कैंप पूरे हो जाएंगे। इसमें अधिक से अधिक लोग आकर अपना लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें ST/SC पुरुष एंड महिला जो भी हैं उनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। हाँ, ST/SC पुरुष महिला और लेकिन जनरल भी हमारे महिला होंगे 50 साल के एज का, उनको भी लिया जाएगा। तो इस स्कीम का खास मकसद यही है, ST/SC परिवार से जो लोग पुरुष हों या महिला हों उनको तो लेना ही है, जनरल में भी 50 उम्र के होंगे उनको भी लेना है। तो इसका प्रचार प्रसार पूरे नगर परिषद में कर दिया गया है, अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, अपना आवेदन दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस एरिया में जितने लोग हैं अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। गोमो तेलो रेल लाइन के ही यहां तेलो स्टेशन से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दादूडीह के ही समीप 2 रेलवे ट्रैक मेन ड्यूटी के दौरान आप देखिए किस तरह से ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई और तेलो स्टेशन मास्टर के द्वारा गैंगमैन इंचार्ज और GRP पुलिस को सूचना दी गई और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया गया। रात में पेट्रोलिंग के दौरान गया था, दोनों पेट्रोलमैन अपने ड्यूटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग करते वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ। इन लोग ड्यूटी के दौरान ही हादसा हुआ है? हाँ, ड्यूटी के दौरान हादसा हुआ। कौन कौन पद में इन लोग था? ट्रैक मेंटेनर थे। कहाँ का था इन लोग? रेलवे हेडक्वार्टर इनका। साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अवैध तरीके से लॉटरी बिक्री का मामला सामने आया है और जिले के नगर थाना क्षेत्र के ही रसूलपुर देहला इलाके में अवैध लॉटरी के कारोबार कर रहे एक युवक को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से अवैध लॉटरी की अनुमानित कीमत 38 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है जो कि बरामद हुई है।
जैसे सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र और उसके आसपास से कुछ थानों में अवैध लॉटरी का कारोबार किया जा रहा है, इसमें हम लोग नगर थाना जीरोवाड़ी थाना के द्वारा कई अवैध लॉटरी कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पूर्व में भेजा गया है। इसी कड़ी में कल पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को एक सूचना मिली कि साहेबगंज जिले में एक अवैध लॉटरी की बड़ी खेप आई है। इस सूचना पर साहेबगंज पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रसूलपुर दहला में एक लॉटरी कारोबारी है बिक्की, उसके घर पर छापामारी की गई, जहां से अवैध लॉटरी की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। जहां बता दें कि बिक्की जो है पहले भी लॉटरी केस में जेल जा चुका है। जो खुद कुल लॉटरी है वो 28,730 पीस बरामद हुआ है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 38,52,650 रुपये है। सर, इसमें जिस तरह से अनुसंधान अभी चल रहा है, जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं, पुलिस उसके ऊपर छापामारी कर रही है, इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर नहीं कर। कितने लोगों के नाम सामने आए? लॉटरी कारोबारी जिसके नाम आए हैं, अभी आपको अनुसंधान में आएंगे, अभी इसको बता रहा है। नाम नहीं सर, संख्या कितनी? 8 लोगों के नाम इसमें आए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी नेता संगठित किसान आंदोलन के जनक किसानों की मसीहा एवं यहां ब्रह्मऋषि समाज के आदर्श संत स्वामी सहजानंद सरस्वती की 135वीं जयंती के अवसर पर स्वामी सहजानंद सेवा संस्थान हजारीबाग द्वारा उनकी जयंती का समारोह आप देखिए किस तरह से मनाया गया है। और उनकी जयंती समारोह के अवसर पर ब्रह्मऋषि समाज हजारीबाग के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में सैकड़ों लोग शहर के सर्किट हाउस के बगल में स्थित जो प्रोवेशन रिजॉर्ट है उस परिसर में जुटे और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की तस्वीर पर पुष्पार्पण भी किए गए। आपको बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से देवघर में भी 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय विराट हिंदू राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मारवाड़ी कावर संघ में होने जा रहा है, जिसको लेकर आदित्य वाहनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के महामंत्री ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मौके पर आदित्य वाहनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रेमचंद्र झा ने किस तरह से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन मठपुरी या पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने दिव्य वाणी से यहां जुलाई 2021 की घोषणा की थी और 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा और इन्हीं भावानुसार भव्य भारत के निर्माण के लिए शेष 11 महीनों के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा स्थापित आदित्य वाहिनी के झारखंड ग्रुप के सदस्यों के द्वारा देवघर में झारखंड प्रांत का हिंदू राष्ट्र सम्मेलन विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। जिसने सरस्वती जी के चरणों में सादर नमन, उनके आशीर्वाद से और आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र झा जी के निर्देशन में बाबा बैद्यनाथ की इस पुण्य भूमि पर भारत हिंदू राष्ट्र बने, इस हेतु 2 दिवसीय एक सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के सभी जिलों से और देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। हम सभी मिलकर के भारत हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा हो, इस हेतु एक सामूहिक विचार विमर्श करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र झा जी विभिन्न जिलों के प्रांतों के लोगों को उनके उनके क्षेत्र में सनातन मान बिंदुओं की रक्षा और संरक्षण हेतु निर्देश देंगे। हम सभी उस निर्देश के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में सनातन धर्म और संस्कार के लिए लोगों को जागृत करेंगे। हम सभी उत्प्रेरित होकर के दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि कैसे सनातन धर्म का उत्थान हो और भारत यथाशीघ्र नियत समय में हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हम लोग अपने तन मन धन से
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करें। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमशेदपुर एवं जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के ही तत्वाधान में जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलासवनी पंचायत में यहां आदिम जनजाति और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय मेगा शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के साथ साथ झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण भी उपस्थित रहे। झालसा थ्रू सालसा कोशिश कर रहा है कि जितने लोग का एप्लीकेशन हम लोग के पास आ रहा है सालसा में आ रहा है उसको हम लोग 100% का रिजल्ट दें और उसी के प्रयास के तहत हम लोग आज जागरूकता शिविर किए हैं, जिससे कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं चाहे जिसको जानकारी नहीं है कि नहीं होने पर हम किसको अप्रोच करें, उसी का प्रयास था कि उन लोग को बताना कि अगर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है तो आप सालसा को लिखें या झालसा को लिखें थ्रू मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, इससे उनको उनके उनकी उनकी जो पीड़ा है या फिर जो उनसे जो वंचित हो रहे हैं उनको उनको लाभ पहुँचाया जाए। लोक अदालत के माध्यम से और मीडिएशन के माध्यम से हम लोग केसेस का निस्तारण कर रहे हैं। आज भी लोक अदालत यहाँ पे था, हर जगह स्टेट में है, हर जिला हर जसिम लोक अदालत के तहत 100% हम लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं और मीडिएशन के थ्रू 68% कामयाब हो रहे हैं। 9 तारीख हम लोग का नेशनल लोक अदालत है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसको डिस्पोजल करें और जो प्री लिटिगेशन है उसको भी डिस्पोजल करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि कोर्ट में आने के पहले मामला का निपटारा हो जाए और जो लिटिगेशन का कॉस्ट लगता है वो नहीं हो पाए, मामला सुलझ जाए। किस तरह के ज़्यादा केसेस आते हैं सर आपके यहाँ झालसा में? झालसा में तो हर तरह के मैट्रिमोनियल आते हैं, एक्सीडेंट क्लेम आते हैं, जितने तरह के सारे लोग आते सब सारे केस आते हैं, बहुत जमीन के आते हैं, जितना जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी जो केस लगता है, चूँकि आजकल जो लॉ है उसमें पहले मीडिएशन करना है तो ही फिर उसका एडजुडिकेशन होगा, तो सारा आता है और मीडिएशन के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि और जो कानून बोलता है कि मीडिएशन पहले करना है उसमें बहुत सारा सफल हो रहा है और मीडिएशन के बेसिस पर डिग्री पास हो जा रहा है तो उसका वहीं पर निपटारा हो जा रहा है। सर मोटा मोटी एक कोई भी केस को सुलझाने में कितना वक्त लग जाता है? उसका तो कोई निश्चित नहीं है ना, वो तो डिपेंड करता है कि क्योंकि प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया है तो उसमें हम लोग को फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को देखना है, दोनों पक्ष को जो प्रक्रिया में सबको उचित अवसर मिले अपने चीज़ को रखने का उसके बेसिस पर एडजुडिकेट होता है, कोई निश्चित टाइम सीमा नहीं बांध सकते, कोई 2 महीना में हो गया कोई 2 साल लगा, डिपेंड करता है कि किस तरह का लिटिगेशन है, किस नेचर का लिटिगेशन। लोगों के लिए मैं ही कहेंगे कि लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं और जितने भी लिटिगेशन है उसमें पार्टिसिपेट करें, जो लोक अदालत के पहले हम लोग एक प्री लोक अदालत कंसिलिएशन करेंगे उसमें आके काउंसिलिंग करने के बाद में जितने भी हैं पेंडिंग मुकदमा उसको ख़त्म करें, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा नहीं होता, सुलह हो गया तो फिर शांति रहेगा परिवार में, जो एनर्जी लड़ने में लग रहा है कोर्ट जाने में लग रहा है उससे उस एनर्जी को अपने परिवार के विकास में लगाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।